हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी आसिस ब्लॉग। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 4, मतलब शाम का 4 बज रहा है, और मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केट कुछ सामान लाने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं कहाँ से क्या लेती हूँ, और बने रहिएगा ब्लॉग में। जब मैं बेंगलोर में नहीं रहती थी, जब मैं बिहार में रहती थी, तो मैं भी शहर सबका ब्लॉग सब देखती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर कैसा रहता है घर सब, कैसा रोड रास्ता रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाने का कोशिश करती हूँ यहाँ पे मतलब कैसा है। बस बहुत ही यहाँ पे अच्छा अच्छा घर है, और दोनों साइड में पेड़ पौधा देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ कुछ टाइम के बाद, और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। वैसे मैं जा रही हूँ दूध लेने, और मुझे दही भी लेना है, तो वो तो गली में भी मिलता है, मतलब नीचे भी दुकान है तो वहाँ भी मिलता है, लेकिन मैं थोड़ा दूर जाऊँगी, इस बहाने मैं थोड़ा सा चल भी लूँगी। और तो चलिए मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये वाला झूला यहाँ पे मिलता नहीं है, ये मैं बिहार से लेके आई थी, और ये झूला इतना ज़्यादा मजबूत होता है। यहाँ पे वो कागज़ वाला जो होता है वो मिलता है, और वो बिल्कुल ही मजबूत नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं, और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। और मैं थर्ड फ्लोर पर रहती हूँ, तो मुझे इतना सीढ़ी उतरना चढ़ना पड़ता है, उसी में मैं थक जाती हूँ, लेकिन चलना चाहिए इसीलिए मैं जा रही हूँ। वरना पहले तो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, लेकिन मैं सीढ़ी देख के चलती हूँ, फिर आपसे नीचे में अपना गली सब सब कुछ दिखाती हूँ। और इधर देखिए ये, तो ये है हमारा गली कुछ इस टाइप से, और उधर एक दुकान है वो कपड़ा वाला है, और इधर इस टाइप से है। तो चलिए चलते हैं और आपको कुछ देखते हैं। और इधर ये बच्चा साइकिल चला रही है, छोटी सी बच्ची। और इधर ये वाला बिल्डिंग न्यू बना है, तो हम लोग आए थे इसमें, लेकिन ये बहुत जल्दी ही इसमें रेंट लग गया। और इधर है ये धोबी वाला, इसी में मैं कपड़ा आती हूँ आयरन करने के लिए देने के लिए, और जो कपड़ा मैं खुद से नहीं धो पाती हूँ वो यहाँ पे धुलवाती हूँ। और इधर भी है एक ग्रॉसरीज डे, तो वहाँ पे भी मैं जाती थी वहीं लेने के लिए, लेकिन अभी मैं इधर जाऊँगी, ये थोड़ा दूर है लेकिन चलना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा दूर ही जाऊँगी। और इधर देखिए ये नर्सरी वाला दुकान, इधर फूल तुलसी का प्लांट, बहुत तरह का फ्लावर सब सब कुछ मिलता है। और मैं अपनी गली से निकलती हूँ, उसके बाद इधर बहुत सारा दुकान सब है, और उसके बाद मैं जो मंदिर में पूजा करने आती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये वाला मंदिर है, मैं यहीं पे आती हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ पे शिव जी का है, भोला बाबा का, तो सिर्फ वही पूजा करने के लिए है, तो यहाँ हम लोग आते हैं पूजा करने। वैसे यहाँ पे सारे देवी देवता के स्टैचू हैं, मगर शिव जी पे हम लोग जल दे सकते हैं। वैसे मैं पहले नहीं निकलती थी ज़्यादा बाहर, क्योंकि हम लोगों की गली में इतना सारा डॉग है, और मुझे डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अब वो लोग कुछ करते नहीं हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, तो अब मुझे उतना डर नहीं लगता। और इधर मिठाई फैक्ट्री, यहाँ से हम लोग आते हैं मिठाई लेने के लिए। चलिए मैं कहीं आप लोगों को आवाज़ आ नहीं रहा होगा, तो चलती हूँ वहाँ पे, फिर आप लोग। और ये वाला जो रोड है, ये हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इधर पूरा शांति जैसा लगता है, वरना उस रोड में तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इधर से जा रही, और मुझे डर भी लग रहा था। तो चलिए अब मैं जा लेती हूँ वो जगह, आई गया आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये वाला गली देखिए, इसमें कितना प्यारा प्यारा सा घर है, बहुत ही अच्छा लगता है, ये चारों तरफ से लग रहा है ग्रीनरी जैसा। और इधर भी गली है, इधर गली से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है,
दोनों तरफ से घर और पेड़ पौधा सब। ये रोड उतना बिजी भी नहीं रहता है तो इसमें मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, नहीं तो वो सब रोड में इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी और बहुत देख के यहाँ पे चलना पड़ता है। तो बस मैं आ गई, उधर दुकान है, उधर एक पानी पूरी वाला स्टॉल है, तो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ बाहर का नहीं खाने का, लेकिन यदि मन कर गया तो खा लूँगी। और इधर मेडिकल वाला है, चाट मिलता है, सब कुछ मिलता है। और उधर जो दुकान है वहीं से हम लोग सब्जी लेते हैं जाके, ज़्यादातर वहाँ पे फ्रेश फ्रेश सब्जी मिल जाता है, हम लोग वहाँ लेते हैं। और इधर कितना अच्छा लगता है, पूरा हरा भरा। थ्री लीटर मिल्क ब्लू वाला, वन कार्ड। और तभी मैं गई थी दूसरे गली से और आ रही हूँ दूसरी गली से, और मैंने जो जो मुझे लेना था वो मैं ले ली हूँ। और मेरे पास कैश नहीं था, मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया, और कभी कभी मेरा मोबाइल रुक जाता है तो मुझे बहुत दिक्कत होता है। वैसे आज कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो चलिए अब आप लोगों से घर जाती हूँ, फिर मिलती हूँ, वरना आगे में बिजी रोड आ जाएगा और बहुत सारा गाड़ी वाड़ी चलता है तो डर लगता है। तो चलिए घर जाती हूँ फिर मैं। तो मुझे बस यही दूध लेना था और दही लेना था, इसलिए मैं गई उतना दूर। वैसे तो गली में दो दो दुकान है और वहाँ पे सारा ग्रॉसरीज का सारा चीज़ मिलता है। और इधर मतलब एक इधर दुकान है तो उधर डाउन बोलते हैं उसे, तो उधर दूध मिलता है और दही मिलता है, वो भी नंदिनी वाला ही है तो उसमें भी मिल जाता है। लेकिन मैं थोड़ा दूर इसलिए गई थी ताकि मैं थोड़ा सा चल पाऊँ, और चलना तो अच्छा होता है। वैसे तो मैं कहीं नहीं निकल पाती हूँ, सोचती रह जाती हूँ जाऊँगी जाऊँगी लेकिन नहीं जा पाती हूँ, तो इसलिए मैं सोची अब से मैं जाऊँगी और थोड़ा दूर ही जा कर के कोई चीज़ लूँगी ताकि उस बहाने मैं थोड़ा सा चल पाऊँ। और हाँ, मैं पानी पूरी मुझे खाना था, लेकिन फिर मैं सोची नहीं अभी मैं बाहर का बहुत ही कोशिश करती हूँ अवॉइड करने का, इसलिए तो अभी मैं बाहर का वैसे खाना अवॉइड करती हूँ क्योंकि वैसे हो नहीं पाता है हमेशा, लेकिन जब भी कोशिश करती हूँ मतलब हो जाता है तो तभी नहीं खाती हूँ। और वैसे मैं सोची पानी पूरी नहीं, मैं ये नारियल पानी पी लेती हूँ, लेकिन मैं वहाँ गई और वो थे नहीं, पता नहीं वो किधर थे, तो मैं इतना देर वहाँ खड़ा रह के क्या करती, इससे अच्छा मैं सोची चली जाती हूँ आई। और इधर का थोड़ा सा रोड है ऊपर नीचे करके, तो चलने में थोड़ा सा थक जाती हूँ, और रहती भी हूँ थर्ड फ्लोर पे तो उतना सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। वैसे कोई नहीं, ये सब तो सब कुछ अच्छा होता है शरीर के लिए। और आई पानी पी, अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, तो चलिए आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये मैं मोटा वाला पहन के गई थी और थक गई हूँ, तो चलिए जल्दी से अपने लिए पहले चाय बनाती हूँ फिर आप लोगों से।